और कैसे सब लोग? सही है? सही जा रहा है दिन? मजा आ रहा है? मेरे को भी पूछो। मेरा नहीं है। अरे मतलब सुबह सुबह सोया था यार, एकदम आराम से मस्त सोया हुआ था। मेरी काम वाली भाई सुरैया आई, आके फैन ऑफ कर दी, झाड़ू लगाने लगी। मेरी नींद टूट गई तो मैंने मजाक में बोल दिया उसको, सुरैया जान लेगी क्या? सुरैया ऑफेंड हो गई। मतलब तब तक सब सही था, फिर मैं घर से निकला, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी वाइफ का फ़ोन आता है। वाइफ बोलती है, घर पे क्या बकचोदी चला रखी है? मैं कहा, अरे वो ऐसे सुरैया ने फ़ैन ऑफ कर दिया था तो ऐसे ही। उसका नाम सुरैया है? मैं कहा, हाँ सुरैया ही तो है। उसका नाम सुरैया नहीं, उसका नाम सुरैया जान है। इसमें मेरी क्या गलती? ये कैसा नाम है सुरैया जान? मतलब लड़कों को एफर्ट भी नहीं करना पड़ता उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए, उसको नर्सरी के बच्चे छेड़ के जा रहे सुरैया जान। मेरा एक्चुअली आई बीन मैरिड फॉर 1 ईयर गाइस, ठीक है? और मेरा शादी का स्टोरी एकदम मस्त, एकदम फनी, ऐसा पागल हो जाओगे तुम लोग सुनोगे तो, पर मैं बताऊंगा नहीं। तुम्हारा क्या, तुम मजे लेके चले जाओगे है ना, और मेरी लग जानी है। हाँ एक डिस्क्लेमर दे सकता हूँ, ठीक है? अगर तुम में से कोई लड़का, मतलब जो अनमैरिड है और उनके पेरेंट्स स्पेशली पापा अगर उनके लिए लड़की ढूंढ रहे और पापा 50 साल के ऊपर है ना, मना कर दो यार, वो उनसे लड़कियाँ रिजेक्ट ही नहीं हो रही। वो अपनी उम्र की उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ लड़कियाँ रिजेक्ट नहीं होती उनसे। उनको अपनी होने वाली बहुरानी में सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए और वो ये कि वो लड़की हो। मेरे पापा ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुशील है, यही बनेगी घर की बहू। उनकी दीवानगी भाई चरम सीमा पे पहुंच गई थी, वो अलग एक्साइटेड था। मैं एक बार बैठा हुआ, अचानक आके रूम पे आके बैठ गए, बगल में देखते हैं, बोलते ये देख पूजा, यही बनेगी घर की बहू, और बगल में उसकी माँ सरस्वती देवी रेड बिकिनी में। मैं बोला बिकिनी में मैट्रिमोनियल की फोटो कौन दे रहा है बे? मैंने कहा दिखाओ फोटो, तो मैंने फोटो देखा, मैंने कहा हाँ ये तो वाकई बिकनी में है। मैंने कहा कहाँ से लाई ये फोटो? बोलते वो तो मैंने फेसबुक से निकाला। मैंने कहा आप पूजा को फेसबुक पे स्टॉक भी करने लगे? तो बोलते नहीं नहीं वो तो मैंने सरस्वती देवी के अकाउंट से निकाला है। मैं कहा माँ संभालो पहले इनको, अरे बीवी के चक्कर में बाप हाथ से निकला जा रहा है। देखो ऐसा नहीं है, देखो एक्चुअली मेरी वाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बहुत सॉर्टेड है, सही है, स्वीट है। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि उसे लगता है कि दुनिया में होने वाली सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज डिवोर्स। माँ स्ट्रिक्ट है, डिवोर्स दे दो। सर दर्द हो रहा है, डिवोर्स चाहिए। रशिया में बम ब्लास्ट हुआ, मेरे को डिवोर्स चाहिए। तुम लोग सोच रहे हो ना इस स्टेटमेंट में लॉजिक कहाँ है, है ना? नहीं होता है ना, लॉजिक तो होता ही नहीं है। तो जितनी बार संडे को टीवी पे सूर्यवंशम आता है ना भाई, मेरे से डिवोर्स मांगती है। विच आई अंडरस्टैंड, इट इज इरिटेटिंग, ठीक है? वो इरिटेटिंग है मूवी यार। वो ठाकुर भानु प्रताप को हर संडे खीर में जहर मिला के दे रहे, साला मर ही नहीं रहा। वो अगले संडे फिर आ जाता है, दिल में रे तो एक तो ना मुझे क्या लगता है पता है कि पहले भी लड़के ना, लड़के परफेक्ट नहीं होते, मुझे पता है कि लड़कियों की तरह सॉर्टेड नहीं होते हैं, लेकिन लड़के ना हमेशा रेडी होते हैं अपने आप को परफेक्शन, मतलब हमेशा रेडी होते हैं। मैं तो प्रूव कर सकता हूँ भाई यहाँ पे, जैसे कि भाई आपका नाम क्या है? अरुण। अरुण व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ब्लू। मैं ना लिख के दे सकता हूँ कि भाई ने अभी का अभी झूठ बोल दिया। लड़कों का फेवरेट कलर होता ही नहीं है। वो परफेक्शन सिर्फ लड़कियों में होता है। लड़के अपनी प्रायोरिटी या फेवरेट कलर तब डिसाइड करते हैं जब उनसे पूछा जाए। तो आपसे इनका कलर तो आज हो गया ना फेवरेट, ब्लू, सॉर्टेड। तो मतलब इतने सारे चेंजेस। अरे मैं खुद, पता है क्या, मैं शादी के पहले जिस चादर को लेके चैन से सोता था, शादी के बाद पता चला मैं गलत ओढ़ता था, उसका उल्टा साइड होता है। अबे सोप का उल्टा साइड है, टॉवेल का उल्टा साइड है। मैं कहा क्या चल रही लाइफ में, मैनर्स आ गए भाई मेरे अंदर, मैनर्स। मैं गाड़ी 40 की स्पीड से चलाता हूँ, मैं ऑरेंज सिग्नल पे गाड़ी रोक देता हूँ। मतलब ऑरेंज सिग्नल पे ऐसे गाड़ी रोक देना, मेरी आत्मा मेरे बगल से मुझे लुक देते हुए चली जाती है। क्या कर रहा है चूती? और मतलब कभी यार, मतलब इतना सब, कभी दोस्तों के साथ मतलब कुछ नाइट आउट प्लान कर लिया और मतलब वाइफ को पूछ लिया कि दोस्तों के साथ नाइट आउट ले जाना, तो बोलेगी इधर आओ, दारू पीते हो? मैं कहा नहीं। ड्रग्स लेते हो? मैं कहा नहीं। लड़की, मैं पागल है क्या पूछी जा रही है? तो बोल तो फिर क्या करना है नाइट आउट में? ऐसा कौन सा काम है जो डे में नहीं हो सकता? तुमको मुझे समझ भी नहीं आता, तुमको इतना नाइट, इतने गुलछर्रे उड़ाने हैं तो ले लो डिवोर्स।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे दोस्त की बीवियां कुछ बोलती नहीं है क्या? मैं कहा बोलती होंगी। क्या बोलती होंगी? यही बोलती होंगी और क्या बोलती है? मतलब इतने यार, दोस्त का फोन आ जाए यार, अगर कोई लड़का होता है ना उसको दोस्त का फोन आता है तो मस्त एकदम बातें चालू करते हैं हम लोग, और हरामखोर कमीने नालायक कैसा है, मैं तो अच्छी गालियां यूज कर रहा हूँ। तो मैंने फोन उठाया, मैंने ऐसी गाली वाली दे दी, तो बगल में खड़ी थी बोलती थी कि ये क्या तरीका हुआ दोस्तों से बात करने का। मैं कहा हम ऐसे ही करते हैं, अगर हम ऐसे ना करें तो उसको लगेगा लौंडा दुखी है, बीवी तकलीफ दे रही है उसकी। तो बोलती नहीं जो भी हो ऐसे नहीं करोगे। तो मैंने कहा हाँ तो फिर कैसे करना है बता दो। बोलती नहीं नहीं जो भी करो पर ऐसे नहीं करोगे। मैंने कहा कैसे करना है बता दो। तो बोलती ठीक है जब अगली बार दोस्त का फोन आए तो कह देना, कह देना बोलो मित्र। बोलो मित्र फोन पे गीता की चार लाइनें और ना सुना दो उसको। तुम क्या लेके आए थे मित्र? और क्या लेके जाओगे? तो कहती है तुम्हारे चूतिया आपसे बेटर है, सुना देना। मैं कहा ठीक है। तो अगली बार मेरे दोस्त का फोन आया, वो बगल में खड़ी है, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा बोलो मित्र। तो भड़क गया, कहता तेरा चुतिया खत्म हो गया होगा तो मुझे बताएगा, हमारा जो दारू का प्लान है वो करना है, आ रहा है नहीं आ रहा है, कंटिन्यू मतलब कैंसिल करना है पोस्टपोन करना, क्या करना है बता। मित्र जीवन ना अतीत में होता है मित्र, और ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है ना, वर्तमान मतलब अभी इसी वक्त, मतलब ये सब ऐसे सब लाइफ यार। और मतलब कभी अगर वाइफ को पूछ भी लो ना कि यार सब सॉर्टेड तो था है ना, मतलब मैं ऐसे ही था यार, क्यों इतना चेंजेस करना है ना लाइफ में, सही तो था। तो बोलती विनय ऐसा होता है कि जब पत्थर पे हथौड़े पड़ते हैं ना तब जाके बनती है वो मूर्ति, और फिर मंदिर में होती है उसकी पूजा। आई एम लाइक बात सही है तुम्हारी, लेकिन ना हथौड़े मारने का तरीका होता है, पत्थर को लेके उसको तराशा जाता है ना धीरे धीरे आराम से उसको, भाई तुम्हारे जैसा नहीं है, तुमको तो अच्छी खासी मूर्ति दे दो ना तो उसको उल्टा घुमा के उसके पिछवाड़े पे दे हथौड़ा, ले हथौड़ा मार मार के उसका पिछवाड़ा तोड़ दो, और बाद में बोलो शिट तुम तो टूट गए, अब मैं क्या करूं, डिवोर्स। मेरे एक्चुअली ना मेरे ऑफिस में एक लड़की है बताया, और ना वो बहुत मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी। एक्चुअली मैं फैट शेमिंग नहीं करता हूँ और अभी भी नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ लड़कियाँ ना खुद कर लेती है। मतलब भाई तुम एक दिन अचानक सुबह उठी और बोली कि आज मैं पतली लग रही हूँ। तो इस टाइप की लड़की थी हाँ, और एक दिन उसको पता नहीं क्या लगा होगा उसे, मैं आज पतली हो गई हूँ एकदम, आई ऐसे टाइट सा कपड़ा पहन करके मेरे पास, ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे आई, विनय विनय आई थिंक आई लॉस्ट सम वेट। पीछे तो देखो। वही है कहीं गया नहीं है। ये जोक पे ना टिकटॉक वाले बहुत हंसते हैं, बताया क्या तुम है क्या टिकटॉक वगैरह बनाते हो तुम लोग? मजा आती है ना एकदम, सही ना? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, पता है टिकटॉक क्या चीज है? मेरा एक दोस्त मुझे बताया आकर के, तुझे पता है टिकटॉक पर से बैन हट गया। मैंने कहा एक मिनट बैन लगा क्यों था? कहता उसमें ना सब वल्गर चीजें होती है यार, इसलिए बैन लग गया था, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो भाई मैं टिकटॉक पे डाउनलोड किया और मैं देख रहा हूँ उसमें भाई कुछ भी चल रहा है यार, क्या टैलेंटेड लोग कुछ भी कर रहे हैं भाई। उसमें एक 12 साल की बंदी है, वो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, काफ़ी लोगों को पता भी हुआ कौन है वो, काफ़ी पॉपुलर है, पर वो कुछ भी बोल रही है। 12 साल की लड़की वो बोल रही है, सॉरी लड़कियों लेकिन मुझे लगता है कि सारे लड़के बेवफा नहीं होते, हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें उनके हिस्से का प्यार। हम लाइक बंद कर, अभी तो 12 साल की है साला, हम 12 साल के थे तो हम खाली ये सोचते थे कि आज अगर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड से धो भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। हम ये एक दिन मेरी वाइफ का मन हुआ, बोलती कि हम भी टिकटॉक वीडियो बनाएंगे। आई एम लाइक बोलो क्या करना है, मुझे क्या करना है? तो कहती है तुम बन जाओ ठाकुर भानु प्रताप और मैं खिलाऊंगी तुमको खीर। भाई साहब मैंने लपड़ खा लिए। मैं कहा दे दो डिवोर्स देना है तो। खीर नहीं लेना है मेरे को।